में बहुत अधिक हो रहा है। अगर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना हो तो डोनेशन के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है। छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी दफ्तरों में रिश्वत ली जाती है। मंत्री से न्यायाधीश तक सब भ्रष्ट है। हमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार से निकलना होगा। तो आइए इसी विषय पर मेरे साथी एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गाड़ी लाल सिग्नल क्रॉस करती है। क्या आपको लाल बत्ती नहीं दिखाई दे रही? अरे माफ कीजिए, मैंने लाल बत्ती को नहीं देखा। कृपया मुझे अपना लाइसेंस दिखाइए। अरे ऐसा है कि मैं अपना लाइसेंस घर पर ही भूल गया हूँ, कृपया मुझे माफ कीजिए। अच्छा अब मैं समझा, ले लीजिए। धन्यवाद, अब जल्दी जाइए। आज तो बस मैं मरते मरते बचा। अरे ऐसा क्या हो गया? आज मैं लाल बत्ती को पार करते हुए पकड़ा गया। हाँ तो तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं था, तुमने लाइसेंस क्यों नहीं दिखा दिया? मैंने पुलिस वाले को 100 रुपए का नोट दिया और पकड़ाया और बच गया। क्या तुम्हें पता है तुम्हें भ्रष्टाचार कर रहा है? तुम्हें अपना लाइसेंस दे देना चाहिए था। भ्रष्टाचार? इसमें भ्रष्टाचार किस प्रकार का? लोग करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं। कभी अखबार लेकर आते हैं। अरे ये देखो अन्ना, हजारे अनशन पर बैठी है। देखो लोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और तुम यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हो। ये देखो कि लोग तो करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने 100 रुपए का कर दिया तो उसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे क्या किया? अरे उसने लाल बत्ती को उसने लाल बत्ती क्रॉस कर दी और इसीलिए उसने अपना लाइसेंस ही दिखाया और उसने पुलिस को पैसे दे दिए। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो हम सब प्रण लेते हैं कि अब हम भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग आने वाली पीढ़ी हैं, अगर हम इसे खत्म नहीं करेंगे तो हमारा देश भ्रष्ट होता जाएगा। अच्छा अब मैं समझा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। तुम्हें क्यों? हम सब प्रण लेते हैं कि हम सब भ्रष्टाचार को रोकेंगे। आओ हम सब प्रण लेते हैं कि हम सब भ्रष्टाचार को रोकेंगे। भ्रष्टाचार को